219 Who is stabbed? अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे इस बात का डर था कि अब उसकी जिंदगी में आगे क्या होगा। आखिरकार वो लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर छत की तरफ भागता है। इसी बीच कंपनी के सारे सिक्योरिटी गार्ड और बाकी लोग भी उसकी तरफ आने लगते हैं। एक कर्मचारी अनन्या को पहचान जाता है और वो उससे कहता है, अरे अनन्या मैम, ये क्या हो रहा है? अनन्या तेज आवाज में बोलती, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आर्यम को जाकर बता दो यहाँ क्या हो रहा है, ये आदमी मेरी जान लेने वाला है। एक आदमी उस शख्स से बोलने लगता है, देख तो जो भी है हमारी बात सुन, अनन्या मैम को यहाँ से जाने दे, सारी चीज आराम से बैठकर डिस्कस की जा सकती है। वो आदमी तेज आवाज में बोलता है, अब बात करने को रह क्या गया, पिछले 1.5 महीने से मैं आर्यम के सामने भीख मांग रहा था कि वो मेरा इंसाफ कर दे, पर उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने उससे कहा था कि मैं उसके पैसे जल्दी लौटा दूंगा, फिर भी वो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। जब मैंने बोल दिया था कि मैं पैसे चुका दूंगा तो मुझे कंपनी से निकालने की क्या जरूरत थी, उसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया। मैं अपने हर एक दर्द का हिसाब उसकी जिंदगी से लूंगा। ये सुनकर अनन्या और परेशान हो जाती। उसे लगने लगता है कि आर्यम ने जरूर इस आदमी को कंपनी से निकाल दिया होगा और अब ये इस बात का बदला लेने आया है। सामने खड़ा आदमी जब अनन्या को देखता है कि उसका दम घुटता जा रहा है तो वो पीछे हट जाता है। इस वक्त कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। अनन्या तेज आवाज में बोलती, आप लोग आर्यम को यहाँ जल्दी बुलाइए, वो एक बार यहाँ आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तभी सामने खड़ा एक आदमी बोलता है, आर्यम सर कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं, तुम अनन्या मैम को जाने दो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आर्यम सर के यहाँ आने से पहले तुम्हारे पास मौका है, तुम अपनी गलती सुधार सकते हो, उन्हें जाने दो और अपनी जान बचाओ। वो आदमी सारी बातें सुन रहा था पर फिर भी वो अनन्या को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था। वो आर्यम को सबक सिखाना चाहता था। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और रमेश और उसका असिस्टेंट दौड़कर वहां पर आते। रमेश तुरंत उस आदमी को देखकर पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कंपनी का पुराना कर्मचारी सुरेश है। रमेश बोलता है, सुरेश अनन्या को जाने दो, अगर तुम्हें किसी को बंदी बनाना है तो मुझे बना लो। रमेश अनन्या को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। रमेश सुरेश को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वैसे तो सुरेश एक बहुत अच्छा आदमी था लेकिन जब से उसने कंपनी के पैसों को अपने पर्सनल काम में लगा दिया था तब से आर्यम ने उसको कंपनी से निकाल दिया था। सुरेश तेज आवाज में बोलता है, रमेश मैं आज यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, जिस आदमी को मैं मारना चाहता हूँ वो आर्यम बत्रा है, मैं चाहता हूँ आर्यम यहाँ आकर अपने प्यार को मेरे हाथों से मरते देखे, अनन्या को मरते देखकर वो खुद भी मर जाएगा। जब अनन्या ने यह सुना कि वो आदमी आर्यम को मारना चाहता है अनन्या घबरा गई। वो अपने ऊपर खतरा झेल सकती थी लेकिन आर्यम को किसी खतरे में नहीं डाल सकती थी। वो उसके चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर सुरेश उसको और कस के अपनी तरफ खींच लेता है। इस वक्त सुरेश बहुत गुस्से में था और कुछ भी कर सकता था। रमेश साफ साफ देख रहा था कि अनन्या का चेहरा लाल पड़ता जा रहा है। रमेश फिर से सुरेश से कहता है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो कीमत बोलोगे मैं दूंगा, तुम जितना मांगोगे मैं उससे दुगना दूंगा, पर तुम अनन्या को जाने दो। साफ साफ नजर आ रहा था कि रमेश अनन्या के लिए बहुत चिंता कर रहा था। वो अनन्या को बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं देख सकता था। सुरेश अपने दर्द भरी आवाज में बोलता है, तुम्हारे सारे पैसे मिलाकर भी मेरे बेटे की जान वापस नहीं आ सकती, तुम चाहे कितना भी मुझे पैसे दे दो, पर अब मेरा बेटा तो मर गया ना, तुम्हारे पैसे मेरे बेटे की जिंदगी वापस नहीं लौटा सकते। ये सब सुनकर अनन्या और परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आदमी के चंगुल से कैसे बचेगी। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आर्यम दौड़कर वहां पर आता है। अनन्या देखती है कि आर्यम उसकी तरफ दौड़कर आ रहा है। आर्यम की जान अनन्या में बसती थी, वो कभी अनन्या को दर्द भरी हालत में नहीं देख सकता था। उस चाकू की नोक को देखकर आर्यम को ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल के ऊपर किसी ने चाकू फेंक दिया। आर्यम तुरंत सुरेश से बोलता है, सुरेश मैं आ गया, तुम मुझे मारने आए थे ना, मुझे पकड़ लो और अनन्या को जाने दो। आर्यम को लग रहा था कि उसके किए की सजा अनन्या को मिल रही है। वो अनन्या का डरा हुआ चेहरा नहीं देख पा रहा था। आर्यम की ऐसी हालत देखकर सुरेश को अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि इस आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुरेश अपनी दर्द भरी आवाज में उससे बोलता है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं अनन्या को जाने दूं, पर तुमने मुझे क्यों नहीं जाने दिया, मैंने सिर्फ कंपनी से 2 लाख ही इधर से उधर करे थे, तुम इतने अमीर हो इतनी सी गलती माफ नहीं कर सके,
तुमने इतनी छोटी रकम के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम इतने एरोगेंट नहीं होते तो आज ये हालात नहीं बनते। तुम्हारी जिद की वजह से ये सब कुछ हुआ। आरम समझ गया था कि इस बात का सुरेश के अंदर बहुत गहरा असर हुआ है। वो इतना पागल हो गया है कि अनन्या का खून करने जा रहा है। आरम उसका जवाब देता है, सुरेश तुम हमारी कंपनी के बहुत पुराने कर्मचारी हो। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि कंपनी के पब्लिक फंड को तुम अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमने कंपनी के फंड में से 2 लाख लिए ताकि तुम अपने बेटे के जुए के कर्जे को चुका सको। ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जेल नहीं भेज दिया। मैंने तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार नहीं किया। तुम्हें खुद ही ये नहीं पता कि तुम्हें अपनी गलती कैसे सुधारनी चाहिए और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। आरम अपनी सफाई दे रहा था। वो सुरेश को उसकी गलती समझा रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद सुरेश उसकी बात मानकर चाकू अंदर रख लेगा, पर सुरेश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगता है कि आरंभ अपनी गलती का सारा दोष उसके ऊपर डाल रहा है। वो आरंभ को जवाब देता है, अच्छा तो इसका मतलब सारा कसूर मेरा है। वाह आरंभ बत्रा, आज मैं मान गया कि तुमसे बड़ा कोई बिजनेसमैन है ही नहीं। तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है फिर भी तुम पैसों का हिसाब बड़े अच्छे से रख रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मुंह मांगी दौलत मेरे सामने फेंक देता, पर अब भी तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि मेरी गलती मुझे दिखा सको। तुम जैसे आदमी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। रमेश भी वहां मौजूद था। वो ये सब सुन रहा था। उसे आरम की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि इस वक्त अनन्या की जान खतरे में है और आरम फिर भी अपने तेवर नहीं बदल रहा। वो तुरंत बीच में आकर आरम से बोलता है, आरम तुम्हारी गलती की सजा अनन्या को नहीं मिलनी चाहिए। तुम अच्छे से देख सकते हो कि इस आदमी ने अनन्या की गर्दन पर चाकू लगा रखा है। बजाय तुम इसकी शर्त मानने के तुम इसको इसकी गलती बता रहे हो। पहले अनन्या की जान बचाओ फिर अपने उसूल दूसरों को बताना। रमेश की ये बात सुनकर आरम की आंखें चौड़ जाती। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि रमेश उसके सामने इस तरह से बातें करेगा। आरम रमेश की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, रमेश मेरे उसूल मुझे बहुत प्यारे हैं। नियम और कानून सबके लिए बराबर होते। अपने चाहने वालों को बचाने के लिए मैं अपने नियम नहीं बदल सकता। रमेश फिर पलट कर जवाब देता है, आरम तुम्हारे उसूलों के चक्कर में कहीं अनन्या की जान ना चली जाए। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो और दूसरी तरफ तुम उसके लिए अपने कुछ उसूल नहीं बदल सकते। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा प्यार दिखावटी है। आरम गुस्से में उससे बोलता है, रमेश मुझे किसी के भी सामने अपने प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं है। अनन्या मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे बचा लूंगा। तुम्हारी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम्हें इस मामले में बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर तो रमेश भी चौंक जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरम इस वक्त ऐसी बातें करेगा। सुरेश फिर गुस्से में आरम से बोलता है, तुम्हारे उसूल बिल्कुल बकवास है। अरे ऐसे उसूलों का क्या फायदा जिसकी वजह से कोई इंसान अपनी जिंदगी भी ना जी पाए। तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ज्यादती की है। अगर तुम एक बार भी मेरी मदद करते तो आज ये नौबत ना आती। आरम सुरेश की तरफ देख कर उसे फिर से समझाता है, सुरेश तुम्हारे बेटे को 15 साल की उम्र में जुए की लत लग गई। उसकी वजह से तुम्हारा लाखों का नुकसान हुआ, बल्कि तुम्हारी फैमिली प्रॉपर्टी भी बिक गई। अपने बेटे के चक्कर में तुम हफ्ते हफ्ते भर ऑफिस नहीं आते थे। बोर्ड मीटिंग में साफ साफ डिसाइड हुआ था कि तुम्हारा सैलरी डिडक्शन शुरू करना चाहिए, पर मैं हमेशा ये बात जानता था कि तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो। उसी प्यार की खातिर मैंने तुम्हारे वो सारे सैलरी डिडक्शंस कैंसिल करवा दिए। तुम्हें ये बात अच्छे से याद रखनी चाहिए। तुम्हारे लिए जो कुछ हो सकता था मैंने वो किया, पर फिर भी तुम आज ऐसी हरकतें कर रहे हो। आरम की बात सुनकर सुरेश का मन दहल गया था। आरम की बातें तीर की तरह सुरेश के दिल में चुप रही थी। वो दर्द भरी आवाज में बोलता है, बस करो चुप हो जाओ। आरम की इन बातों को वो झुटला नहीं सकता था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और उसके पैर भी कांप रहे थे। अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगता था। वो अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेता है ताकि आरम की ये बकवास उसे सुननी ना पड़े। आरम साफ साफ देख सकता था कि सुरेश का खुद पर काबू नहीं था। ये मौका अच्छा था। अनन्या अपनी जान बचाकर उससे दूर भाग सकती थी। आरम तेज आवाज में बोलता है, अनन्या निकलो वहां से, तुरंत इधर आ जाओ। ये बोलने के साथ साथ आरम खुद अनन्या की तरफ दौड़ने लगता है। अनन्या तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाती है। आरम की बात सुनकर सुरेश भी दोबारा होश में आ जाता है और वो भी तेज आवाज में बोलता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। ये बोलने के साथ ही वो फिर से अनन्या की गर्दन अपने हाथ में पकड़ता है।
आरम अपने कदम और तेजी से बढ़ाने लगता है। वो बस उनके पास पहुंचने ही वाला था। अनन्या रुक नहीं रही थी, इसलिए सुरेश गुस्से में आकर अपना चाकू चला देता है। चाकू घुसने के बाद एक बहुत जोर की चीख आती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो गए थे। अचानक से ऐसा कैसे हो गया था? एपिसोड 220, अपनापन। जब सुरेश ने अपना चाकू चलाया था, एक जोरदार चीख पूरे छत पर गूंज गई थी। वहां खड़े बाकी लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया था। रमेश घबरा रहा था कि कहीं अनन्या को कुछ ना हो जाए। उसे डर लग रहा था कि कहीं सुरेश ने अनन्या को चाकू ना मार दिया। पर धीरे धीरे पता चलता है कि चाकू अनन्या को नहीं बल्कि आरम को लगा था। जैसे ही अनन्या आगे बढ़ रही थी, वैसे ही ठीक आरम भी उसके नजदीक जा रहा था। जब सुरेश ने अनन्या को अपनी तरफ खींचा और चाकू उसकी तरफ बढ़ाया, ठीक तभी आरम अनन्या और उस चाकू के बीच में आ जाता है, इसलिए वो चाकू आरम के सीने में लग जाता है। अनन्या आरम के बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो देखती है कि आरम का चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। आरम दर्द के साथ उससे कहता है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो गया। जो चाकू अनन्या को लगने जा रहा था, उस पर आरम ने अपना नाम लिख दिया था। धीरे धीरे आरम अपने होश खो बैठता है। अनन्या विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आरम ने उसकी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दांव पे लगा दी थी। आरम धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। अनन्या बड़ी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती, आरम नहीं, आरम नहीं। वहां मौजूद बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स भागकर सुरेश को पकड़ लेते। रमेश भी ये सब देखकर हैरान हो गया था। रमेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरम अनन्या की जान बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी नहीं रुकेगा। वो तुरंत उसके पास दौड़ कर आता है और आरम के गले लग जाता है। चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। रमेश ने आरम को बहुत कसकर पकड़ लिया था। सुरेश आरम को नीचे गिरते हुए देखकर पागल हो जाता है। वो बार बार बस एक ही चीज दोहराए जा रहा था, मैंने आरम को मार दिया, मैंने आरम को मार दिया। अनन्या को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने अचानक से ये सब क्या हो गया था। वो आरम से कहती, आरम ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मुझे बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाल दिया। उठो ना, तुम प्लीज मुझे डराओ मत, जल्दी से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। ये बोलते बोलते अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आरम अपनी जान उसके लिए खतरे में डाल देगा। कुछ ही देर में रमेश और उसके बॉडीगार्ड आकर उसको उठाकर नीचे ले जाते। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आती है और वो आरम को लेकर सीधा हॉस्पिटल चले जाते। अनन्या एम्बुलेंस में बैठी थी। वो आरम का हाथ पकड़कर उससे कहती, आरम तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज अपनी आंखें खोल दो। डॉक्टर लोग आरम को बार बार रिव्यू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरम होश में नहीं आ रहा था। अनन्या उसके हाथ को कसकर पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। वो आरम को इस हालत में नहीं देख सकती थी। हॉस्पिटल में पहुंचकर आरम को तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। डॉक्टर अनन्या से कहते, मैडम आप यहाँ पर इंतजार करिए। ये बोलने के साथ ही डॉक्टर इमरजेंसी रूम में चले जाता है। अनन्या देखती है कि इमरजेंसी रूम की लाइट ऑन हो जाती है। उसका दिल बड़ी जोरों से धड़कने लगता है। उसे बड़ा डर लग रहा था कि अगर आरम को कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। अनन्या देखती है कि एक एक करके कई सारे डॉक्टर्स इमरजेंसी रूम में आते जा रहे थे। रमेश और उसका असिस्टेंट भी दौड़कर वहां पर आते। रमेश देखता है कि अनन्या एक कोने में बैठी बड़ी उदास लग रही थी। वो उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अनन्या बिना रमेश का चेहरा देखते हुए उससे बोलती, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रमेश फिर से उससे पूछता है, पर मैंने तुम्हारी पीठ और कंधे पर खून के निशान देखे थे, मुझे एक बार देखने दो। अनन्या को रमेश की बातें परेशान कर रही थी। वो धीमी आवाज में रोते हुए उससे कहती, मेरी जरा सी खरोच आरम के जख्म के सामने कुछ नहीं है, मुझे कंधे या पीठ पर दर्द नहीं हो रहा बल्कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मुझे आरम के जख्मों का दर्द महसूस हो रहा है। रमेश अनन्या की बहुत फिक्र कर रहा था। वो तुरंत कहता है, भले ही छोटी चोट हो लेकिन ऐसे मत छोड़ो उसे, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसे छोटे जख्म ही आगे चलकर बड़ी दिक्कत पैदा करते। अनन्या सर हिलाकर मना करती, नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली, जब तक आरम खुद चलकर यहाँ वापस नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
अनन्या के बात सुनकर रमेश को गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अनन्या आरम के चक्कर में अपनी सेहत का जरा सा भी ख्याल नहीं रख रही है। वो उसे डांटते हुए कहता, आरम भी ठीक हो जाएगा, एक चाकू उसकी जान नहीं ले सकता, तुम जाओ और पहले अपने जख्म ठीक कराओ। अनन्या फिर अपना सिर हिलाकर मना कर देती। जब तक आरम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उस जगह से जाने वाली नहीं थी। रमेश समझ जाता है कि अनन्या इस वक्त नहीं मानेगी। वो उससे बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर इंतजार करो। अनन्या की आंखों में बार बार आज सुबह का किस्सा याद आ रहा था। वो सोच रही थी कि अगर आरम को होश नहीं आया तो वो क्या करेगी। रमेश का असिस्टेंट रमेश के साथ डॉक्टर को ढूंढ रहा था, तभी वो रमेश से बोलता है, रमेश सर अनन्या जी तो ये सब देखकर बहुत डर गई होंगी ना, ना जाने उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। रमेश भी धीमी आवाज में बोलता है, मुझे पता पर हमें इस वक्त उसको हिम्मत देनी होगी। रमेश अनन्या के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम अपनी जैकेट उतार दो, मुझे तुम्हारे जख्म देखने दो। अनन्या रमेश की बात का कोई जवाब नहीं देती। रमेश समझ जाता है कि इस वक्त जो भी करना है उसे खुद ही करना है। वो खुद ही उसकी जैकेट उतारता है और देखता है कि अनन्या की टी शर्ट पर कई खून के धब्बे थे। खून के धब्बों को देख कर रमेश गुस्से में आ जाता है और कहता है, उस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जख्मों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस आदमी ने कई बार चाकू अनन्या के कंधे पर घुमाया था। छोटे छोटे घाव अनन्या के कंधे पर साफ नजर आ रहे थे, पर अनन्या ने अपने दर्द को काबू कर लिया था। उस वक्त उसके मुंह से चीख भी नहीं निकली थी। रमेश इस बात पर बोलता है, मुझे तुम्हारे टॉप को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे जख्मों को साफ कर सकूं। ये अपनी जैकेट ले लो और इसे अपने आगे रख लो। रमेश वो जैकेट अनन्या के ऊपर रख देता है और फिर धीरे से उसकी टी शर्ट उसके कंधे से नीचे करता है। वो देखता है कि अनन्या के कंधे पर 5 निशान बने हुए हैं। रमेश कॉटन में डिटॉल डालकर जख्म के पास ले जाता है और अनन्या से कहता है, थोड़ा दर्द होगा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। अनन्या अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे ही वो कॉटन अनन्या के जख्मों को छूता है, अनन्या के जिस्म में एक आग सी लग जाती। अनन्या अपने दांत पीस कर अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करती। वो अपने हाथ चलाती है लेकिन उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। डिटॉल से साफ करने के बाद रमेश उसके जख्मों पर बैंडेड लगा देता है। वो वापस अनन्या की टी शर्ट ठीक करता है और ऊपर से जैकेट हटा देता है। अनन्या बड़ी धीमी आवाज में बोलती, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। रमेश देखता है कि अनन्या बहुत ज्यादा घबराई हुई है, उसके माथे पर पसीना भी आ रहा है। रमेश अनन्या से कहता है, थैंक यू की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें चोट लगेगी तो दर्द तो मुझे होगा, तो इस तरीके से मैं अपना ही दर्द कम कर रहा हूँ। अनन्या ने रमेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो अपनी दुनिया में ही खोई थी। बार बार अनन्या की नजर उस इमरजेंसी रूम की लाइट पर जा रही थी। कुछ घंटे बाद वो लाइट बंद होती है और डॉक्टर वहां से निकल कर आता है। डॉक्टर अनन्या से कहता है, वो चाकू जो आरम के सीने पे लगा था उसे हमने निकाल दिया, ये तो अच्छी बात है कि आरम का दिल बच गया, पर इस वक्त उसकी हालत थोड़ी गंभीर है। आरम के जख्म इतने गहरे हैं कि इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम बार बार कोशिश करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अनन्या ये सुनकर दंग रह जाती। इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर उसके सामने ऐसी बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर तो साफ साफ यही लग रहा था कि उन्होंने हार मान ली है। वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, ऐसी बातें मत कहिए डॉक्टर, प्लीज आप आरम को बचाने में अपनी जी जान लगा दीजिए, अगर अगर आरम को कुछ भी हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज डॉक्टर प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर अनन्या के हाथ पर अपना हाथ रखते और वहां से चले जाते। रमेश भी ये बात सुनकर घबरा जाता है। वो अनन्या से बोलता है, अनन्या तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, आरम को कुछ नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि अनन्या पत्थर बन गई हो। वो किसी की भी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। वो रमेश की तरफ देखकर बोलती है, रमेश मुझे अपने प्यार पर भरोसा है, भले ही डॉक्टर कुछ भी कहे पर मेरा प्यार आरम को वापस ले आएगा। ये सुनकर रमेश को गुस्सा आ जाता है। वो आरम को और अनन्या को किसी भी कीमत पर एक साथ नहीं देखना चाहता था। अनन्या को लगने लगता है कि आरम बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, एक बार बस आरम होश में आ जाए फिर वो उसका बहुत ख्याल रखेगी, वो आरम की दिन रात सेवा करेगी। इससे पहले हमेशा आरम ने अनन्या की मदद करी थी,
पर इस बार अनन्या जानती थी कि उसको आरम को संभालना है। अनन्या इमरजेंसी रूम की तरफ देख रही थी। आरम का चेहरा देखे बिना उसको चैन नहीं मिल रहा था। आरम की ऐसी हालत देखकर उसके मन में बार बार बस यही ख्याल आ रहा था कि काश आरम की जगह वो होती। अनन्या को बस वही सीन बार बार याद आ रहा था कि आरम कैसे जल्दी से दौड़कर अनन्या और उस चाकू के बीच में आ गया था। वो आरम को देखते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो आरम, सब ठीक हो जाएगा। रमेश साफ साफ देख सकता था कि अनन्या अभी भी सिर्फ और सिर्फ आरम के बारे में सोच रही है और ये देखकर उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसका असिस्टेंट उससे बोलता है, सर आप ठीक तो है ना? रमेश बड़ी दर्द भरी आवाज में बोलता है, ठीक कैसे हो सकता, जब इन दोनों को साथ देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने इन दोनों का साथ हमेशा के लिए लिखा। उसका असिस्टेंट दोबारा उसको याद दिलाता है, क्यों ना लिखे हुए को बदल दे, अगर आरम बत्रा रहेगा ही नहीं तो आखिर में अनन्या जी को आना तो आपके पास ही है। ये सुनकर रमेश के चेहरे का रंग बदल जाता है, उसके अंदर एक विश्वास आ जाता है। एपिसोड 221, रमेश की गंदी कोशिश। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर रमेश परेशान हो जाता है। एक पल के लिए तो उसे अपने असिस्टेंट पर बहुत गुस्सा आता है, पर दूसरे ही पल वो उस बात के बारे में फिर से सोचने लगता है। उसे इस बात से और तकलीफ हो रही थी कि अनन्या दूसरे आदमी के लिए ज्यादा परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात से दुखी है कि अनन्या आरम के बारे में सोच रही है या फिर इस वक्त वो आरम के लिए दुखी है। रमेश एक अजीब दुविधा में फंस गया था। रमेश अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है, ये सब क्या बोल रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं अपने भाई को। रमेश वो बात पूरी बोल भी नहीं पाता। उसके असिस्टेंट ने ऐसी बात बोल दी थी कि रमेश खुद परेशान हो गया था। कुछ ही देर में वहां पर आरम का असिस्टेंट हेमंत आ जाता है। कुछ दिनों पहले आरम ने हेमंत को बिजनेस के काम के सिलसिले में बाहर भेजा था। कुछ घंटों पहले ही हेमंत की फ्लाइट लैंड करी थी और जैसे ही उसने ये खबर सुनी कि आरम सर हॉस्पिटल में है, वो तुरंत दौड़ कर वहां आ गया था। वो सीधा अनन्या से पूछता है, अनन्या मैम ये सब क्या हो रहा है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, आरम सर के साथ ये सब क्या हो गया, आरम सर को इतनी गहरी चोट कैसे लग गई। अनन्या अपना सर नीचे झुकाकर कहती है, हेमंत ये सब मेरी गलती है, मुझे बचाने के चक्कर में आरम ने वो चाकू अपने ऊपर ले लिया, आज अगर मैं नहीं होती तो आरम की ऐसी हालत नहीं होती। हेमंत को पूरी बात नहीं पता थी, उसे सिर्फ इतना ही पता था कि आरम हॉस्पिटल में है। वो अनन्या से पूछता है, मगर आपके साथ ये सब हुआ कैसे, वो आदमी था कौन जिसने आपको चाकू से मारने की कोशिश की। अनन्या हेमंत को पूरी बात समझाती है। वो एक एक चीज उसे बताती है जिससे सुनने के बाद हेमंत को गुस्सा आ जाता है। वो तेज आवाज में बोलता है, तो कौड़ी के सुरेश की इतनी हिम्मत कि उसने आरम सर पर चाकू मारा, उस आदमी को तो जिंदा रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। अनन्या को भी अब पूरी बात समझ में आ गई थी। वो समझ गई थी कि सुरेश ने अपने बच्चे की मौत की वजह से आरम को चाकू मारा था। वो समझ सकती थी कि सुरेश भी इस वक्त बहुत परेशान होगा, पर आरम की ऐसी हालत देखकर वो खुद मन में ये सोच रही थी कि सुरेश को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। अनन्या ये सब सोच रही थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। वो देखती है कि सामने से आरम के पिता जयदेव और दीपा आ रहे हैं। आरम के पिता के चेहरे पर साफ साफ परेशानी नजर आ रही थी। अपनी बेटी की खबर सुनकर उनका दिल मचल गया था। वो सीधा अनन्या के पास आकर उसको डांटते हुए कहते, मेरे बेटे के साथ ये सब क्या हो गया, मैंने सुना कि तुम्हें बचाने के चक्कर में उसको चाकू लग गया, क्या ये बात सच है? जयंत ने बहुत कड़ी आवाज में अनन्या से पूछा था। जो बात उन्होंने सुनी थी वो एक बार अनन्या के मुंह से सुनकर कन्फर्म करना चाहते थे। अनन्या सर झुकाकर बड़ी धीमी आवाज में बोलती है, जी ये बात सच है। ये सुनते ही जयंत का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तेज आवाज में बोलते, अनन्या तुम्हारी बदकिस्मती मेरे बेटे पर भी लग गई, आरम का तुम्हारे साथ रहना उसके लिए खुदकुशी करने के बराबर है। सिर्फ तुमसे यही कहूंगा कि अगली बार से मेरे बेटे से तुम दूर रहना, तुम्हारा साया भी मेरे बेटे पर नहीं पड़ना चाहिए। अपने बेटे को बीमार देखकर जयंत बहुत दुखी हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि जिस इंसान की वजह से आरम की ये हालत हुई है वो दोबारा उसके करीब जाए। एक तरफ जहां ये बात सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ खड़ी दीपा के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो यही चाहती थी कि अनन्या को इन सब के पीछे कसूरवार ठहराया जाए। जब से उसे पता चला था कि अनन्या की वजह से रितु को ऑफिस से निकाला गया था, तब से वो अनन्या से और ज्यादा नफरत करने लगी थी। दीपा अपने मन में बस यही कह रही थी, अनन्या जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अनन्या बड़ी धीमी आवाज में जैन से बोलती, मुझे माफ करना अंकल, मैं जानती हूँ कि इन सब में मेरी गलती है, मगर बात यह है कि अनन्या अपनी गलती मानती थी, पर साथ साथ जयंत को यह भी बताना चाहती थी कि असल में वहां पर हुआ क्या था। वो जैसे ही आगे बात बढ़ाती है तो जयंत अपना हाथ दिखाकर अनन्या को चुप करवा देते। वो फिर से अनन्या को डांटते हुए कहते, मुझे अगर वगर नहीं सुनना, तुम्हें खुद को मेरे सामने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आरम तुम्हें बचाने नहीं जाता तो उसको वो चाकू कभी नहीं लगता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तुम दोनों का तो तलाक हो गया था ना? पिछली बार तुम्हारी झूठ की वजह से मेरे पिता की हालत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में चले गए। इस बार तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। आज फिर से ये बात साबित हो गई कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसों से मतलब है और उसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हेमंत वहीं खड़ा था, उसने जयंत की बात सुन ली थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो तुरंत जयंत की बात का जवाब दे, पर उसने अपने गुस्से को काबू करके जयंत की पूरी बात सुनी। जब जयंत की बात खत्म हो जाती है तब हेमंत उससे बोलता है, सर आप अनन्या मैम के ऊपर सारा दोष नहीं डाल सकते। जिस आदमी ने ये सब किया वो हमारी कंपनी का पुराना कर्मचारी था और उसी ने। जयंत की नजर अब सीधे हेमंत पर पड़ती है। वो फिर से अपना हाथ दिखाकर उसे चुप कराते। आज जयंत किसी की बात सुनने नहीं आए थे, बल्कि सबको सुनाने आए थे। भले ही जयंत अपने बेटे के पास न रहते हो, पर उन्हें अपने बेटे की बहुत चिंता थी। वो हेमंत को घूरते हुए कहते, हेमंत क्या तुम एक बाहर की लड़की की तरफदारी करना बंद करोगे? क्या तुम आरम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते? तुम्हें शायद उसके दर्द का एहसास नहीं है, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। लगता है कि तुम आरम से नाराज हो, इसलिए तुम उसके दर्द को देख नहीं सकते। हेमंत को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या बोले। वो नहीं चाहता था कि वो कोई भी ऐसी बात बोलते जिससे जयंत का गुस्सा और बढ़ जाए। वो सर झुकाकर बोलता है, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आरम सर ने मेरा हमेशा से ही बहुत ख्याल रखा है, मुझे उनके दर्द का एहसास है। जयंत फिर से अनन्या की तरफ गुस्से में देखते और कहते, तब तो तुम ये सब भी देख रहे होगे कि इस लड़की ने मेरे परिवार को बहुत चोट पहुंचाई है। इस लड़की को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जयंत की कड़वी बातें अनन्या के दिल में एक तीर की तरह लगती जा रही थी। वो खुद कभी ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आरम को तकलीफ पहुंचे। वो तो आरम के सारे दुख खुद ले लेना चाहती थी। दीपा जो वहीं मौजूद थी वो देखती है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अनन्या वहीं बैठी है। वो अनन्या को डांटते हुए कहती, अनन्या तुम तो बड़ी बेशरम लड़की हो, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम वहीं बैठी हो। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हें कुछ और पैसे चाहिए? मुझे उम्मीद है कि आरम के साथ इतने वक्त रहते रहते तुम्हें काफी कुछ मिल गया होगा। तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ बैठकर आरम के लिए दो आंसू बहा दोगी और हम सबको लगने लगेगा कि तुम आरम की सच में बहुत चिंता करती हो। हम सब तुम्हारे इरादे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। देखो आज तुम्हारी वजह से मेरे पति को कितना गुस्सा आ रहा है। कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, तुम क्या यही करोगी? कहीं उनकी तबीयत खराब हो गई तो क्या करोगी तुम? दीपा अनन्या की और ज्यादा बेइज्जती करती है। दीपा की बात सुनकर अनन्या को भी बहुत गुस्सा आता है। वो दीपा को घूरने लगती है। उसका मन करता है कि वो उसी वक्त दीपा को करारा जवाब दे। अनन्या उसको पलटकर जवाब देने ही वाली थी कि तभी इमरजेंसी रूम से डॉक्टर आते। जयंत सीधा डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर साहब मेरे बेटे की अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर जयंत को बताते, कुछ देर के लिए हम उनको सिर्फ मॉनिटर करेंगे, उसी के बाद हम आपको कुछ बता पाएंगे। ये सुनकर जयंत को और गुस्सा आने लगता है। वो फिर से अनन्या को घूरते। इस वक्त अनन्या किसी से कुछ नहीं कहती, पर अनन्या को एहसास होने लगता है कि इस वक्त उसका वहां पर रुकना ठीक नहीं है। अनन्या अपनी जगह से उठ जाती है और कहती है, ठीक है तो मैं चलती हूँ। ये बोलने के साथ ही अनन्या दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। अनन्या का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो आरम को ऐसे अकेले छोड़कर चली जाए। वो जानती थी कि जयंत और दीपा ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ पर आए हैं। वो हेमंत को घूर कर एक मैसेज दे रही थी कि वो आरम के साथ ही रहे।
हेमंत अनन्या के चेहरे को देखकर समझ गया था। वो अपना सिर हिलाकर अनन्या को तसल्ली देता है। अनन्या लिफ्ट की तरफ चली जाती है। वो बार बार इमरजेंसी रूम की तरफ ही देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका एक एक कदम आरम से उसको दूर लेकर जाएगा और शायद इसके बाद वो दोबारा कभी आरम से मिल भी नहीं पाएगी। ना जाने उसको ऐसे ख्याल क्यों आ रहे थे, मगर ये ख्याल उसको बहुत सच्चे लग रहे थे। अनन्या को ज्यादा देख रमेश का असिस्टेंट उससे बोलता है, सर ये मौका ठीक है, अब अनन्या भी चली गई है, अब आपको उसकी नजरों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मैं सबका ध्यान हटाता हूँ, आप चुपके से इमरजेंसी रूम में चले जाइए और आरम सर का खेल खत्म कर दीजिए। आप ये मत भूलिए कि बचपन से लेकर आज तक आप सिर्फ और सिर्फ उनसे जलते आए हैं। आपके घर वाले भी आरम सर को आपसे ज्यादा प्यार करते। उनके जाने के बाद आरम सर की प्रॉपर्टी और बिजनेस भी आपका हो जाएगा और अनन्या जी भी आपको मिल जाएंगी। रमेश का असिस्टेंट ये सारी बातें बहुत अच्छे से जानता था। रमेश उसकी तरफ घूरता है और बिना कुछ सोचे समझे अपना सर हिला देता है। रमेश का असिस्टेंट हेमंत, जयंत और दीपा को कैफेटेरिया लेकर जाता है और इसी बीच रमेश चुपके से इमरजेंसी रूम में घुस जाता है। वो देखता है कि आरम बिस्तर पर बिल्कुल बेहोश लेटा है। उसके हाथ में एक ट्यूब लगा हुआ है, उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क रखा गया है। रमेश को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ अनन्या और उसका साथ नजर आ रहा था। वो आरम के पास आता है। उसके जहन में अनन्या की कही हुई बात याद आती है कि वो सिर्फ और सिर्फ आरम से प्यार करती है। ये सोचकर रमेश को गुस्सा आ जाता है। उसके अंदर की जलन अब इतनी बढ़ गई थी कि वो आरम को मारने चल पड़ा था। वो आरम का ऑक्सीजन मास्क निकाल देता है। उसके बाद वो पास में पड़ी एक तकिया लेकर आता है और आरम की तरफ देख कर बोलता है, आरम बत्रा, बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरा सब कुछ छीना है, आज मैं तुमसे तुम्हारी जान ही छीन लूंगा। ये बोलने के साथ ही रमेश आरम के चेहरे पर तकिया रखकर जोर से दबा देता है। रमेश के अंदर ना जाने कौन सा पागलपन छा गया था कि वो आरम को मारने से भी पीछे नहीं हट रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि आज वो आरम को मार ही देगा। एपिसोड 222। इस आरम डेड। अक्सर ये बताया जाता है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते, पर इस प्यार की कहानी में रमेश पागल हो गया था। जिस आदमी को वो अपना दोस्त मानता था और जो उसका भाई था, आज वो उसी आदमी को जान से मारने जा रहा था। एक के बाद एक ऐसे कई हादसे हो रहे थे जिसके ऊपर रमेश का काबू नहीं था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की बताई हुई बातों पर ध्यान दे रहा था। आरम और अनन्या का एक साथ रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर उसने आरम को दोषी ठहराते हुए उसे रास्ते से हटाने के बारे में सोच लिया। रमेश जैसे ही तकिया से आरम का चेहरा दबा रहा था कि उस वक्त आरम के शरीर में हलचल होने लगी। रमेश आरम की हलचल देखकर डर गया और थोड़ा पीछे हट गया। उसने अपने मन में सोचा, आरम होश में आ रहा है। तकिया रमेश के हाथ से नीचे गिर गया था। आरम की आंखें बस हल्की सी खुलती है और वो रमेश को देखकर बस अपना हाथ आगे बढ़ा पाता है। रमेश की नजर आरम के हाथ पर पड़ती। आरम के हाथ पर एक कड़ा था जिसे रमेश भी अच्छे से जानता था। कॉलेज के टाइम रमेश ने ही आरम के जन्मदिन पर उसे वो कड़ा दिया था। उसी दिन आरम ने फैसला किया था कि वो जिंदगी भर इस कड़े को कभी नहीं उतारेगा। रमेश को तो कभी नहीं लगा था कि आरम वो कड़ा दोबारा पहनेगा। इससे पहले रमेश ने कभी भी आरम के हाथों पर गौर नहीं किया था। आरम की आंखें हल्की सी खुली और उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, भाई। और ये सुनकर रमेश के होश उड़ जाते। वो वापस अपनी दुनिया में आता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसी वक्त उसे कदमों की आवाज आती और वो तुरंत बाहर निकल जाता है। रमेश की सांसें बहुत जोरों से चलने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ये सब क्या कर रहा था और क्यों। आज पहली बार उसे एहसास होता है कि दूसरों की बात सुनकर वो कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे उसे आरंभ और अनन्या से कोई भी दिक्कत हो, लेकिन वो अपने भाई को नहीं मार सकता। रमेश के पूरे चेहरे पर पसीना आ जाता है। रमेश अपने आप पर काबू रखने की पूरी कोशिश करता है। एक तरफ जहां आरंभ होश में आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनन्या अपने होश खो रही थी। वो पागलों की तरह रास्तों पर चल रही थी।
उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो इस वक्त कहाँ जाए। वो ना ही अपनी कंपनी जाना चाहती थी और ना ही वापस अपने घर। कुछ ही देर में सारे अखबारों ने इस खबर को बड़ी तेजी से अपने यहाँ छापना शुरू कर दिया था। जैसे ही तान्या को ये खबर मिली, उसने कहा, ये अनन्या तो बहुत ही मनहूस लड़की है। इसकी वजह से आरंभाज हॉस्पिटल में वो चाकू तो अनन्या को लगना चाहिए था। तान्या वो खबर सुनकर आग बबूला हो जाती। उसे अनन्या पर बहुत गुस्सा आता। पूरे शहर में बस यही खबर फैली थी। ये खबर सुनने के बाद अनन्या के फोन पर बार बार कॉल आ रहे थे। पीके, हुजा, समर, दामनी और उनका मल्होत्रा परिवार सब के सब एक के बाद एक उसे कॉल कर रहे थे। परेशान होकर अनन्या अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। वो जानती थी कि ये सब के सब उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे और उसे इस वक्त इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं बोलना था। उन सब में से एक रक्षा भी थी जो बार बार अनन्या को फोन कर रही थी। खबर सुनते ही उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। जब अनन्या फोन नहीं उठाती तो वो परेशान होकर कहती है, अनन्या बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रही? तेरी माँ को तेरी बहुत चिंता हो रही है। मुझे यकीन है कि तू इस वक्त बहुत परेशान होगी। मुझे कैसे भी करके तेरे पास आना है। रक्षा ने सोच लिया था कि वो कैसे भी अनन्या के पास जाएगी और उसको संभाल लेगी। जैसे ही वो बाहर जा रही थी तभी एक नौकर उसके पास आता है और कहता है, मैडम वो तान्या मैडम कह रही है कि उनके पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, दर्द के मारे उनकी हालत खराब है। ये सुनकर रक्षा और परेशान हो जाती और बोलती है, क्या पेट में दर्द और वो भी अचानक से? रक्षा तुरंत तान्या के कमरे में जाती। उसकी माँ को देखकर तान्या अपने दोनों हाथ पेट पर रखती और रोते हुए बोलती, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले चलिए। रक्षा अपनी बेटी के लिए बहुत घबराई हुई थी। वो उससे पूछती है, तान्या अचानक से पेट में कैसे दर्द शुरू हो गया? क्या तूने कुछ उल्टा सीधा खाया था? तान्या रोते रोते बोलती है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कल रात को खाना थोड़ा ज्यादा ही स्पाइसी हो गया। माँ पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। रक्षा तुरंत उसके पास आती है और उसे उठाने लगती है। साथ ही वो बोलती है, चल तू जल्दी तैयार हो जा, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तान्या अपने जूते पहन लेती है और रक्षा उसे नीचे ले जाती है। चलते चलते बीच में तान्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में कहती है, माँ तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें उस दो कौड़ी की लड़की अनन्या से मिलने नहीं दूंगी। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हें कभी उसकी माँ बनने नहीं दूंगी। एक तरफ जहाँ तान्या अपनी माँ को परेशान कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ टैक्सी वाला अनन्या से परेशान हो गया था। अनन्या ने उसे बताया ही नहीं था कि उसे जाना कहाँ। उसने पूरे शहर के दो राउंड लगा लिए थे लेकिन फिर भी अनन्या ने उसे कुछ नहीं बताया। परेशान होकर वो फिर से अनन्या से पूछता है, अरे मैडम अब तो शहर के दो चक्कर भी मार दिए मैंने, अभी तो आपने सोच लिया होगा कि आपको कहाँ जाना है, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे और भी काम है। तभी अचानक से अनन्या की नजर पास के कैफे पर पड़ती। वो तुरंत ड्राइवर से बोल देती, बस इसी कैफे के पास रोक दो। मौसम बिगड़ता जा रहा था, धीरे धीरे बारिश भी बढ़ रही थी, इसलिए अनन्या ने गाड़ी वहां रुकवा दी। अनन्या को बारिश में भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था इसलिए उसने ऐसा किया था। ये वही कैफे था जहां एक बार अनन्या ने तान्या और आरम को एक साथ देखा था। तब से लेकर आज तक ये जगह अनन्या के दिमाग में बस चुकी थी। जैसे ही अनन्या कैफे के अंदर जाती है तो वेटर तुरंत उसके पास आकर पूछने लगता है, मैडम आप क्या खाएंगी, क्या मैं आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? अनन्या तुरंत अपना सर हिलाकर मना करती है। वो बोलती है, मैं कॉफी नहीं पीती, तुम अपना मेन्यू लेकर आओ, मैं कुछ और मंगवा लूंगी। अनन्या अपने लिए लंच ऑर्डर कर दी थी। वो भले ही खाना खा रही थी लेकिन उससे बार बार सिर्फ और सिर्फ आरम की याद आ रही थी। उसे वहां से निकले 2 घंटे हो गए थे, उसे चिंता हो रही थी कि आरम के पास कोई होगा भी या नहीं। यहाँ हॉस्पिटल में दीपा अपने पति जयंत को घूरे जा रही थी। जयंत जो कि अपने बेटे की सेहत के लिए बहुत परेशान थे, वो बार बार इमरजेंसी रूम में देखे जा रहे थे। दीपा को लगने लगा कि जयंत को उनकी बेटी से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र है। हेमंत तुरंत दौड़कर जयंत के पास आता है और उनसे कहता है, सर कुछ ही देर में दादाजी यहाँ पर आने वाले, मेरे पास उनका फोन आया था, वो वहां से निकल रहे हैं। अपने पिता के आने की खबर सुनकर जयंत का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। वो जानता था कि उसके पिता अभी भी उससे नाराज है। बिना कुछ बोले वो वापस इमरजेंसी रूम में अपने बेटे को देखने लगते। दीपा उनके पास आती है
और उनसे बोलती, जयंत क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। दीपा चाहती थी कि वो अपने पति का मूड बदले और जयंत थोड़ी देर तो उससे बात करे, पर जयंत तुरंत मना करते हुए दीपा से कहते, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ और खा लो। ये सुनते ही दीपा का चेहरा और खराब हो जाता है। उसे विश्वास होने लगता है कि जयंत के मन में सिर्फ और सिर्फ उसका असली बेटा बसा हुआ है। जयंत देखते हैं कि दीपा अभी भी वही खड़ी है, इसलिए वो फिर से दीपा से बोलते, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है तो तुम बाहर जाकर खा सकती हो और अच्छे से खा सकती हो। दोपहर को यहाँ पर मत आना, तुम जाओ और तनीषा को स्कूल से पिक कर लेना। जयंत को साफ साफ लग रहा था कि दीपा यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी, वो जयंत का ध्यान भटकाना चाहती। ये सुनते ही दीपा के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे अब अपना डर सच्चाई में बदलते हुए नजर आ रहा था। वो तुरंत जयंत से बोलती, नहीं कोई बात नहीं, मुझे इतनी भी भूख नहीं लग रही, मैं मनीषा से बोल दूंगी, वो हमारी बेटी को स्कूल से पिक कर लेगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जयंत फिर से दीपा से बोलता है, मेरे पापा कुछ ही देर में हॉस्पिटल में आने वाले, तुम प्लीज उनके सामने कुछ झगड़ा मत करना। ये सुनकर तो दीपा को और अजीब लगने लगता है। आज से पहले हमेशा जयंत अपने पिता के सामने दीपा की तरफदारी करते थे, पर आज वो दीपा को अपने से दूर भगा रहे थे। दीपा का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था कि उसका पति उससे नफरत करने लगा है। दीपा को जयंत की बात बहुत बुरी लग रही थी, वो तुरंत ही वहां से जाने लगी और आखिर में जयंत से बोली, मैं चलती हूँ, तुम हरम का ख्याल रखना। ये बोलने के साथ ही दीपा वहां से चली जाती। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसका पति उससे दूर होना चाहता है। जयंत बड़ी देर से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। रमेश भी वहीं पर मौजूद था, वो भी एक पल के लिए वहां से हटा नहीं था। उसका असिस्टेंट उससे बोलता है, सर आप मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या आपने आरम सर को? असिस्टेंट इशारों में रमेश से कुछ पूछना चाहता था। रमेश उसको टेढ़ी आंखें दिखाकर बोलता है, तुम अपने काम से काम रखो, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, जब मैं तुमसे कुछ पूछा करूं तभी मुझे कुछ बताया करो। ये सुनकर तो रमेश के असिस्टेंट का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रमेश एकदम से बदल क्यों गया। वो धीमी आवाज में बोलता है, ठीक है सर। ये बोलते ही वो पीछे हट जाता है। अनन्या हेमंत को फोन करती है और उससे पूछती है, क्या हुआ हेमंत, कुछ बात हुई क्या? उसी वक्त डॉक्टर इमरजेंसी रूम से निकलते। जयंत रमेश तुरंत खड़े हो जाते और उनके पास जाते। रमेश तो बहुत ही घबरा रहा था, उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से आरम को कुछ हो ना जाए। हेमंत अनन्या से बोलता है, अनन्या मैम डॉक्टर अभी अभी आए, मैं फोन लाउड स्पीकर पर रखता हूँ, आप खुद भी उनकी बात सुनना। हेमंत भी वहां डॉक्टर के पास चला जाता है। जयंत पूछते, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर का चेहरा बड़ा उदास था। वो जयंत को देखकर बोलते, हमने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी आरम को। इससे पहले डॉक्टर अपनी पूरी बात बोले, रमेश बड़े जोरों से चिल्लाकर बोलता है, क्या हुआ आरम को, आपके कहने का क्या मतलब है? नहीं नहीं आरम को कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश के होश उड़ गए थे। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से आरम मर गया। रमेश की इतनी तेज आवाज सुनकर अनन्या का दिल घबरा जाता है। आरम की मौत की खबर सुनकर उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। अनन्या को लगता है कि आरम के साथ अब उसकी खुशियां भी चली गई हैं। एपिसोड 223, द सुसाइड अटेम्प्ट। ये बोलने के साथ ही रमेश बिल्कुल पागल हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन आरम की जान ले लेगा। डॉक्टर भी रमेश की बात सुनकर बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने तुरंत रमेश को टोकते हुए कहा, रमेश जी आप ये क्या कह रहे हैं, आप हमारी बात पहले पूरी तो सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। डॉक्टर अब जयंत को देखकर बताते, आरम अभी मरा नहीं है, बात यह है कि वो कोमा में चला गया, ऑपरेशन के दौरान काफी खून बह चुका था इसलिए वो अब कोमा में है। ये सुनते ही जयंत परेशान हो जाते, उनके लिए तो उनके बेटे की तकलीफ बहुत ही बड़ी थी। रमेश ये सुनकर चैन की सांस लेता है। इससे पहले तो उसे लग रहा था कि उसकी गलती की वजह से कहीं आरम की जान ना चली गई हो। इस खबर ने रमेश के अंदर एक शांति पहुंचाई थी। दीपा वहां से चली गई थी पर उसको जयंत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पति उससे रिश्ता तोड़ना चाहता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि इस वक्त आरम हॉस्पिटल में पड़ा है और अनन्या उससे दूर है, ये बिल्कुल सही मौका है
आरम की जिंदगी में ऋतु को लेकर आने का। वो अभी भी आरम और ऋतु का रिश्ता करवाना चाहती थी। पिछली बार अनन्या की वजह से ऋतु को ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा था, पर इस बार मौका बहुत अच्छा था। वो तुरंत ऋतु को फोन करती है। ऋतु काफी दिनों से नौकरी खो जाने के गम में बैठी हुई थी। उसके पास कोई नया काम भी नहीं था। अचानक जब वो दीपा का फोन देखती है तो खुश हो जाती है। वो फोन उठाते हुए दीपा से कहती, नमस्ते आंटी, आपने बहुत टाइम में मुझे कॉल किया, मुझे तो लगा कि आप मुझे भूल ही गए हो। दीपा मुस्कुराते हुए कहती, हाँ ये तो तू कैसी बातें कर रही है ऋतु, भला तेरी दीपा आंटी तुझे कैसे भूल सकती है। वैसे मुझे बता कि तू आजकल कहाँ है। ऋतु बड़े बेमन से बोलती, अरे कहाँ होंगी आंटी, मैं तो बस अपने घर में ही पड़ी रहती हूँ, कोई काम भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत बोर हो रही हूँ। दीपा ऋतु को अनन्या के खिलाफ भड़काते हुए कहती है, ये सिर्फ और सिर्फ अनन्या की गलती है, उस लड़की की ही वजह से तेरा काम तुझसे छिन गया। याद कर तू पूरे दिन भर कितना बिजी रहती थी और कितना पैसा कमाती थी। बस तूने जिस दिन अनन्या की बेइज्जती की उसी दिन से तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। दीपा जानबूझकर ऋतु को गुस्सा दिलाना चाहती थी। वो चाहती थी कि ऋतु अपने बदले की शुरुआत अनन्या से करे। ऋतु धीमी आवाज में बोलती है, आंटी बार बार ये बात करने का भला क्या फायदा, जो हो गया वो हो गया, अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। दीपा तुरंत ऋतु से पूछती है, तू कब से इतनी जल्दी हार मानने लगी। वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि इस वक्त तेरे पास बहुत अच्छा मौका है, क्या तू उस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहती। ऋतु हैरानी से पूछती, कौन सा मौका। दीपा उसे बताती, क्या तू न्यूज नहीं देखती, आरंभ इस वक्त जख्मी है और अस्पताल में भर्ती है, तुझे यहाँ पर आकर उसके पास होना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। यह सुनते ही ऋतु काफी घबरा जाती है। भले ही आरम ने उसे कंपनी से निकाला हो, पर वो अभी भी आरम के बारे में ही सोचती थी। उसके दिल के किसी कोने में आरम के लिए आज भी जगह थी। वो बड़ी बेचैनी के साथ पूछती, आरम जख्मी हो गया, ये सब कब हुआ और अभी कैसा है वो। दीपा उसे बताती, मुझे जस्ट अभी पता चला कि वो कोमा में चला गया है, तू बस इधर आ जा जल्दी से, यही सही मौका है उसके करीब जाने का। ऋतु जानती थी कि इस वक्त अनन्या भी वहां पर होगी, इसलिए वो परेशान होकर कहती, आंटी मैं वहां पर आकर क्या करूंगी, वहां पर तो अनन्या पहले से ही मौजूद होगी, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। दीपा ऋतु को बताती, उसको तो हमने पहले ही यहां से निकाल दिया, उस कमीनी लड़की की वजह से ही आरम की ये हालत हुई है, उसकी जान बचाने के लिए आरम खुद जख्मी हो गया, बत्रा परिवार सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत करता है। ये सुनकर तो ऋतु को और भी गुस्सा आ जाता है। वो तेज आवाज में बोलती है, क्या आरम को अनन्या की वजह से चोट लगी, सचमुच ये लड़की तो सबके लिए परेशानी है। ये बोलती तो है कि वो आरम से बहुत प्यार करती है, पर फिर भी उसको चोट पहुंचाती रहती है, सचमुच ये लड़की बहुत गिरी हुई है। दीपा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसने ऋतु को अच्छे से भड़का दिया। वो फिर से ऋतु को बोलती है, तो बस समझ ले यही तेरे लिए सबसे अच्छा मौका है, तू यहाँ आ जा और आरम का ख्याल रख, एक तो आरम के सामने तेरी अच्छी इमेज बन जाएगी और हो सकता है कि वो तुझे वापस काम पर रख ले। नौकरी वापस पाने की बात सुनकर ऋतु और खुश हो गई। उसने बोला, आंटी ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने मुझे, अब जल्दी से बताइए कि आरम किस हॉस्पिटल में है, मैं आरम से मिलूंगी भी और उसके लिए कुछ लेकर भी आऊंगी। दीपा तुरंत बोलती है, मैं तुझे पता भेज दूंगी, हाँ अगर कोई से पूछे कि तुझे हॉस्पिटल का पता कैसे चला तो बोल देना कि तूने मीडिया से कहीं पढ़ा था। दीपा इस मामले में बहुत होशियार थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी सबूत उसके खिलाफ बने। ऋतु भी बहुत स्मार्ट लड़की थी, वो दीपा से बोलती, आप चिंता मत करो आंटी, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। एक तरफ जहाँ दीपा ऋतु को हॉस्पिटल में बुला रही थी, वहीं रक्षा अपनी बेटी तान्या को दिखाने के लिए एक हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। डॉक्टर के सारे एग्जामिनेशन के बाद सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। डॉक्टर को लगता है कि शायद थोड़ी देर के लिए गैस बन गई होगी इसलिए ये लड़की परेशान है। वो उसे एसिडिटी की दवा लिख देते हैं और बोलते हैं कि वो अपने खाने पीने का ध्यान रखे। रक्षा भी अपनी बेटी से बोलती है, अगली बार ज्यादा स्पाइसी खाना मत खाना, तेरे पेट को ज्यादा स्पाइसी खाना पचता नहीं, तुझे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तान्या भी अपना सर हिलाकर अपनी माँ से कहती है,
हाँ माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे दवाई खाने के बाद अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। मैं तो ठीक हो गई, लेकिन पता नहीं आरम कैसा होगा। माँ मैं उससे देखना चाहती हूँ। ये सुनकर एक मिनट के लिए रक्षा घबरा जाती। वो तुरंत तान्या से बोलती है, तान्या तू तो अच्छी तरह जानती है कि आरम के ऊपर अटैक हुआ है। उसे किस हॉस्पिटल में रखा है ये कहीं पर बताया नहीं गया। भला हम कैसे वहां पर जा सकते हैं? रक्षा जानती थी कि उस वक्त आरम के साथ वहां पर उसकी छोटी बेटी अनन्या होगी। वो नहीं चाहती थी कि तान्या हॉस्पिटल में जाकर उससे लड़े। तान्या कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, इसमें क्या टेंशन है माँ, मैं अभी पता करती हूँ। तान्या तुरंत आरम के पिता जयंत को कॉल मिलाती है। जैसे ही वो कॉल उठाते तान्या तुरंत उनसे पूछती, अंकल मुझे आरम के बारे में पता चला, क्या आपको पता है कि आरम किस हॉस्पिटल में है? मुझे पता है कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जयंत तान्या को हॉस्पिटल का पता बताते हैं। तान्या बोलती है, थैंक यू अंकल, मैं अभी आती हूँ। फोन रखने के साथ ही तान्या के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आती। वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं आरम से मिलने जा रही हूँ, आप घर चले जाइए। तान्या ये बोलकर तुरंत जा ही रही होती है कि रक्षा उसका हाथ पकड़ लेती और बोलती है, एक मिनट मेरी बात सुन। तान्या पीछे मुड़ती है और उसकी माँ से पूछती, क्या हुआ माँ? रक्षा उससे बोलती है, अगर तू वहां पर अपनी बहन से मिले तो उसके साथ लड़ाई मत करना। तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तू उसकी बड़ी बहन है। एक बड़ी बहन होने के नाते तुझे उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सुनते ही तान्या चिढ़ जाती है। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसके घर वाले अनन्या की तरफदारी करें। वो तेज आवाज में अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम बार बार ये बोलकर मुझे दुख क्यों पहुंचाती हो? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हर बार आप मुझे ही कसम खिलाती हो, आप उससे भी तो समझा सकती हो ना। ये बोलने के साथ ही तान्या वहां से चली जाती। रक्षा अपनी बेटी को जाते हुए देखती और खुद से कहती, ना जाने ये हॉस्पिटल में क्या करेगी। वार्ड के कमरे के बाहर रितु खड़ी हुई थी। उसके हाथों में फ्रूट बास्केट था जिसमें तरह तरह के फल मौजूद थे। दरवाजा खटखटाने में रितु बाहर घबरा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिनों बाद वो आरम से कैसे मिलेगी। हिम्मत भरकर वो दरवाजा खटखटाती है। हेमंत दरवाजा खोलता है और रितु को वहां पर देखकर हैरान हो जाता है। हेमंत सीधा उससे पूछता है, रितु जी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? हेमंत को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रितु वहां पर आएगी। रितु बड़ी ही धीमी आवाज में हेमंत से बोलती, मैंने सुना है कि आरम के ऊपर अटैक हुआ है, मुझे बहुत चिंता हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ का पता निकलवाया। मैं एक बार आरम को देखना चाह रही थी। हेमंत रितु को काफी पसंद करता था। रितु के जितने भी सीरियल हैं हेमंत उन्हें बार बार देखता था, इसलिए रितु के कहने पर वो तुरंत दरवाजे से पीछे हट गया और कहने लगा, आप अंदर आ जाइए। जैसे ही रितु अंदर आती है वो उससे बोलता है, आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इस वक्त आरम सर की हालत बहुत क्रिटिकल है। जैसे ही रितु अंदर घुसती है उसकी नजर आरम के पिता जयंत पर पड़ती है। जयंत रितु को जानते थे, उन्हें पता था कि दीपा और रितु का बहुत गहरा रिश्ता है। वो अपना सिर हिलाकर रितु को अंदर आने की इजाजत देते। आरम को देखते ही रितु तुरंत अपनी फ्रूट बास्केट रख देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, अभी तक आरम उठा नहीं, ना जाने आरम को किसकी नजर लग गई। पहली बार रितु ने आरम को इतनी शांति से लेटे हुए देखा था। इससे पहले उसने हमेशा उसे गुस्से में ही देखा था। आरम का चेहरा देखकर तो रितु मदहोश हो गई थी। वो देखती है कि आरम के हाथ में अभी भी थोड़ा सा खून लगा हुआ था। वो बोलती है, अभी भी आरम के हाथ पे खून लगा है, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। ये कहने के बाद रितु बाथरूम में जाती है और एक टॉवल लेकर आती है। जयंत ये सब वहां से बैठकर देख रहे थे। एक तरफ जहां रितु मौके का फायदा उठा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या अपने होश खो बैठी थी। हेमंत को बार बार कई लोगों के फोन आ रहे थे इसलिए वो अनन्या से बात नहीं कर पा रहा था। आखिरी बार अनन्या ने सिर्फ यही बात सुनी थी कि रमेश एक डॉक्टर से बोल रहा था कि आरम मर गया। इसके बाद की खबर उसे मिल ही नहीं पा रही थी। उसने रमेश की बात को ही सच मान लिया था। उसे लग रहा था कि हेमंत शायद इसलिए उसका फोन नहीं उठा रहा क्योंकि वो अभी उसे ये बात नहीं बता सकता था कि आरम अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो समझ जाती है कि हेमंत उसे अवॉइड कर रहा है ताकि वो उसे बुरी खबर ना सुना सके। अनन्या आरम की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती है। वो बालकनी में जाती है और अपने दोनों पैर किनारे पर रख देती है। उसका घर छठे माले पे था।
वो जानती थी कि यहाँ से कूदने के बाद वो नहीं बचेगी। उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि मरने के बाद वो आरम के साथ मिल सकती है। अनन्या अपनी जान देने का फैसला कर चुकी थी। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी।